Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. जैसा कि हमने last class में discuss किया था कि हम कुछ maths के basic concepts को clear करेंगे. उस दिन हमने number system पे बात की थी. आज हम geometry पे बात करेंगे. आज का हमारा topic है basic geometrical ideas. Geometrical word आप सबने सुना होगा, but it's not about your geometrical box. यहाँ पे इसका मतलब है कि शेप्स की स्टडी करना, उनके मेजरमेंट्स करना, ये सब इसमें आएगा आपका ज्योमेट्री में. तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट जो होता है वो आता है पॉइंट. इसका बेसिक जो है सबसे वो होता है पॉइंट. बट पॉइंट होता क्या है वो अपने डिस्कस करेंगे. देखो यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ ए. इसको अपने कैसे रीड आउट करते हैं? इसको अपने रीड करते हैं पॉइंट ए और इसको अपने करते हैं पॉइंट बी. मतलब एक सिंपल डॉट जिसको अपने क्या बोलते हैं पॉइंट. और इस तरीके से अपने इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट, वो आगे की बात है. लेकिन अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इसको अपने क्या पढ़ते हैं पॉइंट्स. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो हमारे पास क्या होता है कि लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, ये तीन चीजें होती है. इन तीनों में आपको कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले अपने बात करेंगे लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में क्या होता है, हमारे पास कोई भी टू फिक्स पॉइंट होते हैं. अब टू फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपने बोलते हैं लाइन सेगमेंट. इसको अपने इस तरीके से देखो, इसको अपने शो करेंगे इस तरीके से, ए बी लाइन सेगमेंट. ओके, अब लाइन सेगमेंट के बाद में हम आते हैं लाइन. अपना नेक्स्ट है लाइन. लाइन क्या होती है? इसमें आपके पास कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होते. लाइन में हमारे पास कभी फिक्स पॉइंट नहीं होते. इसको अपने आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे आपको दिख रहा होगा ये ए, इसको अपने आगे इस तरीके से एक्सटेंड करवा रहे हैं, और बी इसको अपने आगे इस तरीके से एक्सटेंड करवा रहे हैं. मतलब इसमें इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रे. रे जो होता है वो लाइन सेगमेंट और लाइन का क्या होता है, मिक्सचर होता है. इसमें देखो हमारे पास वन पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता. दूसरे पॉइंट से आगे हम इसको आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं. सिंपली अगर अपने देखें तो रे जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास होता है सन रेज. जैसे यहाँ पे सन है, यहां से इसकी रेज जो है वो निकल रही है और ये आगे कहीं तक भी जा सकती है. मीन्स इनका ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और आगे ये कहीं भी कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है. ये हमारा रे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. ओके, आई होप आपको लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में डिफरेंस पता लग गया होगा. लाइन सेगमेंट में फिक्स पॉइंट्स होते हैं, लाइन में कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, और रे में क्या होता है, वन पॉइंट फिक्स होता है लेकिन जो अनदर पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स वो लाइन्स होती है जो एक पॉइंट पे आके क्या करती है, मीट करती है. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास टू लाइंस हैं, L1 और L2. ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को P पॉइंट पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं या मीट कर रही हैं. इस टाइप के जो लाइंस होते हैं इनको अपने बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. और आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे हम लाइन्स की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट की बात नहीं करते. मीन्स इन लाइन्स को अपने आगे भी एक्सटेंड करवा सकते हैं इस तरीके से. ओके, इसके अपने और एग्जांपल्स देखो, आपको इस तरीके से दे रखा है ए बी और सी डी. ये अपने पास टू लाइंस हैं, ये भी क्या कर रही है, क्यू पॉइंट पे मीट कर रही है. और इस तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, एम और एन टू लाइंस हैं जो क्यू पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं. कहीं भी ये मीट कर सकती है, जरूरी नहीं कि ये बीच में ही मीट करे, ये कहीं पे भी मीट कर सकती है. ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? देखो हमारे पास इस तरीके से टू लाइंस हैं, सबको दिख रही है L1 और L2. ये देखो इस तरीके से ये जा रही है. पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो हमेशा क्या चलती हैं, इस तरीके से चलती हैं. मतलब दे नेवर मीट, वो कभी भी मीट नहीं करती एक दूसरे को, एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती, कट नहीं करती. जैसे इसमें भी अपने लाइंस ही लेते हैं, जैसे ये आपकी लाइन है L1, इसको भी अपने आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं, यहां से भी करवा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अपने को दो चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी? फर्स्ट है दे नेवर मीट,
एंड देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है. मीन्स इन दोनों में हर जगह पे क्या होगा, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी. कब, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी तो वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी, तो वो पैरेलल लाइंस नहीं होती. ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कर्व्स. कर्व्स का मीनिंग क्या होता है, सिंपली अपने बोल सकते हैं डूडलिंग करना. डूडलिंग करना का मतलब क्या होता है, रैंडमली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शेप इस तरीके से अपने ड्रॉ कर देते हैं. तो इस टाइप से कोई भी जो शेप अपने ड्रॉ करते हैं रैंडमली, उसको अपने बोलते हैं कर्व्स. हमारे पास इस तरीके से टू शेप्स गिवन है. देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया और इस तरीके से मैंने इसको यहीं पे आके मिला दिया, और इसमें भी क्या किया, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके इसको वापस ज्वाइन करवा दिया. अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग सिंपल यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आके क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, और इसमें क्या हो गया, क्रॉस हो रहा है. ये हमारे पास टू टाइप्स के कर्व आ गए. ये तो होते हैं सिंपल, जिसमें क्रॉस नहीं होता उनको अपने बोलते हैं सिंपल कर्व, और इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है. ठीक है, ये अब इसके जो सिंपल जो कर्व है उसके भी आगे हमारे पास क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं. सिंपल कर्व के जो टू टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं क्लोज कर्व और ओपन कर्व. क्लोज कर्व कौन सा होता है, जैसे देखो इस तरीके से इसमें यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आके क्या हो गया, ये मिल गया. तो ये इसने क्या बना लिया, क्लोज फिगर बना लिया, तो इसको अपने बोलते हैं क्लोज कर्व्स. और ओपन में क्या होता है, यहां से स्टार्ट हुआ लेकिन वो यहां पे आके खत्म हो गया, यहां पे कुछ नहीं है ये, यानी कि ये क्या है, हमारा ओपन कर्व है. ये खुला है, ओपन है, और ये बंद है, तो ये क्या है, क्लोज कर्व. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स वो शेप्स होती है जो लाइन सेगमेंट से मिलती है. इन दोनों में हर जगह पे क्या होगा, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी. कब, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी तो वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी, तो वो पैरेलल लाइंस नहीं होती. ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कर्व्स. कर्व्स का मीनिंग क्या होता है, सिंपली अपने बोल सकते हैं डूडलिंग करना. डूडलिंग करना का मतलब क्या होता है, रैंडमली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शेप इस तरीके से अपने ड्रॉ कर देते हैं. तो इस टाइप से कोई भी जो शेप अपने ड्रॉ करते हैं रैंडमली, उसको अपने बोलते हैं कर्व्स. हमारे पास इस तरीके से टू शेप्स गिवन है. देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया और इस तरीके से मैंने इसको यहीं पे आके मिला दिया, और इसमें भी क्या किया, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके इसको वापस ज्वाइन करवा दिया. अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग सिंपल यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आके क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, और इसमें क्या हो गया, क्रॉस हो रहा है. ये हमारे पास टू टाइप्स के कर्व आ गए. ये तो होते हैं सिंपल, जिसमें क्रॉस नहीं होता उनको अपने बोलते हैं सिंपल कर्व, और इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है. ठीक है, ये अब इसके जो सिंपल जो कर्व है उसके भी आगे हमारे पास क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं. सिंपल कर्व के जो टू टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं क्लोज कर्व और ओपन कर्व. क्लोज कर्व कौन सा होता है, जैसे देखो इस तरीके से इसमें यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आके क्या हो गया, ये मिल गया. तो ये इसने क्या बना लिया, क्लोज फिगर बना लिया, तो इसको अपने बोलते हैं क्लोज कर्व्स. और ओपन में क्या होता है, यहां से स्टार्ट हुआ लेकिन वो यहां पे आके खत्म हो गया, यहां पे कुछ नहीं है ये, यानी कि ये क्या है, हमारा ओपन कर्व है. ये खुला है, ओपन है, और ये बंद है, तो ये क्या है, क्लोज कर्व. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स वो शेप्स होती है जो लाइन सेगमेंट से क्या होती है, बनती है. जैसे यहां पे हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है, लाइन सेगमेंट है, और इनसे मिलके क्या बनाया हुआ, एक पॉलीगॉन्स बनाया हुआ है. ओके, पॉली मीन्स बहुत सारे, गॉन्स मतलब साइड्स या लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मिलके जो शेप बनाते हैं उनको बोलते हैं अपने पॉलीगॉन्स. इसके एग्जांपल्स अपने देखते हैं. देखो इस तरीके से हमारे पास ये इसके एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, ये है ट्रायंगल. रेक्टेंगल में देखो हमारे पास ये इसके फोर क्या है, साइड्स हैं. स्क्वायर में भी हमारे पास फोर साइड्स हैं. ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, थ्री साइड्स है. सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो पॉलीगॉन है वो हमारे पास आता है ट्राइंगल. ठीक है, उसके बाद अपने स्क्वायर,
रेक्टेंगल इस तरीके से अपनी बात करते हैं, पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती है, फिर हेक्सागन जिसकी 6 होती है, इस तरीके से अपने बहुत सारे पॉलीगॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब पॉलीगॉन्स में हमें जो बातें ध्यान में रखनी है वो होते हैं, हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वर्सेस, साइड्स और एजेस, डायगोनल्स और फेसेस। ये हमारे पास 4 जो पॉइंट्स हैं, इनको अपने ध्यान में रखना है। देखो इनको अपने डिस्कस करते हैं बारी बारी से। फर्स्ट हमारे पास है वर्सेस। वर्सेस क्या होते हैं? वर्सेस होते हैं कोने। देखो जैसे ट्रायंगल है ये, इसका ये वाला, ये और ये, जहां पे दो लाइन सेगमेंट क्या हो रहे हैं, जहां पे दो लाइन सेगमेंट क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, उनको अपने बोलते हैं वर्सेस। कोने होते हैं, ये होते हैं वर्सेस। उसके बाद अपने बात करते हैं सेकंड, साइड्स या एजेस। ये तो आपको पता ही है, साइड्स कौन सी होती है, ये वाली होती है। जैसे इस तरीके से ट्रायंगल में हमारे पास 1, 2, 3 इस तरीके से 3 साइड्स है, इसको अपने एजेस भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं कि जो अपोजिट वर्सेस, जो अपने अपोजिट वर्सेस होते हैं, इनको अपने जब ज्वाइन करवाते हैं इस तरीके से, तो जो आपके पास लाइन सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं अपने डायगोनल्स। इस तरीके से स्क्वायर में भी इनको अपने बोलते हैं डायगोनल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ आता है फेसेस। फेसेस क्या होता है, जैसे देखो इस तरीके से, इसमें देखो जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो इस तरीके से ये हमारे पास एक फिगर बना हुआ है, तो इसका जो ये वाला सामने वाला जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये होता है फेस। ठीक है, जैसे कि अपने रूम की बात करते हैं, रूम में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, मीन्स 4 उसमें वॉल्स होती है, रूफ और फ्लोर, टोटल उसके फेस कितने हो गए, 6 हो गए। जैसे अपने सिंपल इसकी रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो 1 फेस है, इसका भी 1 और इसका भी 1 फेस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन की। आज का जो क्वेश्चन है वो आपका है फाइंड द वर्सेस, साइड्स एंड डायगोनल्स एंड फेसेस ऑफ द गिवन शेप्स। आपको कुछ शेप्स गिवन है, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ये 1, 2, 3, 4 इस 4 आपको शेप्स गिवन है, आपको इनका क्या फाइंड करना है, वर्सेस, साइड्स, डायगोनल्स एंड फेसेस। चारों के आपको वर्सेस, साइड्स, डायगोनल्स और फेसेस आपको फाइंड करने हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ज्योमेट्रिकल आइडियाज या ज्योमेट्री क्या होता है, ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।